केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया से जब पूछताछ हुई थी, घर में रेड मारी गई थी, तब कुछ मिला था क्या? जरा बताइए ना। मनीष के घर में भी कुछ नहीं निकला। मनीष जी से 6-7 घंटे तक गहन पूछताछ की सीबीआई ने, और जितने प्रश्न पूछे सब प्रश्नों के संतुष्टि पूर्वक जवाब दिए। अरे वाह, घर में कुछ नहीं मिला, फिर तो लॉकर में जरूर कुछ मिला होगा, बताइए ना। आज लॉकर चेक किया, लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। लॉकर में भी कुछ नहीं मिला, सोच कर बता रहे ना। फिर मनीष जी के बैंक गए, लॉकर में उन्होंने सोचा शायद कुछ, लॉकर में भी कुछ नहीं मिला, झुंझुना पड़ा था वहाँ पे एक बच्चे का। बच्चे का झुंझुना मिल गया, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो आप बताएंगे, लेकिन लॉकर में मिला। सही कह रहे हैं ना आप, पलट जाते हैं कई बार। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर देखे, उसमें कुछ नहीं मिला। लीजिए, अभी आप कह रहे थे बच्चे का झुंझुना मिला, अब कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, न घर में न लॉकर में। सही सही बता दीजिए, कोई रुपये पैसे तो नहीं मिले ना? उसकी पूरी रेड में 10,000 रुपए मिले। देख रहे हैं ना कैसे घुमा रहे हैं केजरीवाल जी, अभी कह रहे थे झुंझुना मिला, अभी कह रहे कुछ नहीं मिला, अब कहने लगे 10,000 रुपया मिला। सही कह रहे हैं ना केजरीवाल जी, 10,000 रुपए मिले हैं ना? मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। बड़ा झोल है केजरीवाल जी, मैं सिसोदिया जी से ही पूछ लेता हूँ। सिसोदिया जी आप बताइए, आप तो इस समय जेल में है तो पुरानी बातचीत तो दिखा ही सकता हूँ ना। ये केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि झुंझुना मिला, फिर कहते हैं नहीं मिला, फिर कहते हैं 10,000 मिला, फिर कहते हैं 10,000 भी नहीं मिला। आप ही बताइए, सच बात आप ही बता सकते हैं, इसमें सच क्या है? मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपए के, कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह, कुछ इस तरह की चीजें हैं। बाप रे, बड़ा गड़बड़ झाला है ये, 70-80 हज़ार ज्वेलरी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। चलिए छोड़िए, ये घर और लॉकर दोनों को छोड़ देते हैं। केजरीवाल जी, सुना है सिसोदिया के गांव भी पहुँचे थे ये एजेंसी वाले। मनीष जी के गांव गए, सोचा यहाँ शायद जमीन खरीद रखी हो, वहाँ जमीन भी नहीं मिली। अच्छा, तो गाँव में जमीन भी नहीं मिले। और भी कुछ किया क्या इन लोगों ने? ये ईडी सीबीआई ये लोग तो कहीं भी पहुंच जाते हैं, जो कुछ किया वो बता दीजिए। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मार ली, सारे गद्दे फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, कभी दीवारों में छुपा रखा हो पैसा। अरे अरे, इतनी डिटेलिंग में क्यों जा रहे हैं? मुझे पता आप लोग भी चलाक हैं, ये जो भ्रष्टाचार का पैसा है ना, अब यहाँ वहाँ रख के काम नहीं चलता। वैसे और भी कुछ किया क्या इन एजेंसी वालों ने? मनीष सिसोदिया जी के चाचे पे, ताऊ पे, मामे पे, मौसी पे, सब पे रेड मार ली इन्होंने, बैंक लॉकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। मतलब ये मान लिया जाए कि ईडी हो या सीबीआई हो, इनको सिसोदिया के घर से ना लॉकर से कुछ नहीं मिला। मगर ये क्या केजरीवाल जी, ईडी ने जब संपत्तियों की जब्ती की तो पता चला कि करोड़ों रुपये मिल गए, और उसमें मनीष सिसोदिया की भी कुछ संपत्ति शामिल है जिसे जब्त कर ली गई है। मगर कहानी इतनी नहीं है, केजरीवाल जी भड़क गए हैं, झूठ का लेवल बढ़ा दिया है, क्योंकि पता है कि ये मामला सिसोदिया के दो घर से ही नहीं जुड़ा है, ये तो शीश महल तक जाने वाला है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इसी को डिकोड कर रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। जब से राजनीति में मोदी जी का युग प्रारंभ हुआ है, तब एक नारा चलता है, काम बोलता है। और सच में दोस्तों, जो व्यक्ति काम करेगा तो काम ही तो बोलेगा ना, दिखता भी है, जितना भी जिस क्षेत्र में चले जाइए काम दिखता है। लेकिन जानते हैं जो काम नहीं करते हैं और उसके बदले भ्रष्टाचार करते हैं, वहाँ पर भी काम ही दिखता है, क्योंकि काम ही करते हैं ना वो, भ्रष्टाचार का काम करते हैं। और इसीलिए जब ये ताज़ा खबर आई ईडी की कि करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, तो फिर तो मीडिया वालों की आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई, क्योंकि इसमें तो मनीष सिसोदिया का नाम था। और मैंने आपको कई सारे बयान दिखाए, कितने प्रकार के बयान दिखाए, क्या क्या नहीं दिखाया। और केजरीवाल जी कैसे बोलते हैं आपको पता है, झूठ का लेवल बदलते चले जाते हैं, अब भी बदला। लेकिन आपको खबर देखना जरूरी है, आप देख लीजिए, ईडी ने जब्त की 52 करोड़ की संपत्ति, मनीष सिसोदिया की 2 प्रॉपर्टीज भी शामिल। यानी प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले के मामले में जो 52.24 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, इसमें मनीष सिसोदिया, अमनदीप ढल,
राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा का नाम भी शामिल है। और ये जो 52 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है ना दोस्तों, इसमें करीब 7.25 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है, जिसमें मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 2 अचल संपत्ति, राजेश जोशी की चैरियर प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की जमीन फ्लैट, गौतम मल्होत्रा की जमीन और फ्लैट भी शामिल है। लेकिन जो मनीष सिसोदिया है ना, इनकी सिर्फ 2 अचल संपत्तियां ही नहीं है बल्कि 11 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी शामिल है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी है कि ये कितनी बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जिस शराब घोटाले को घोटाला मानने से ही अरविंद केजरीवाल मना कर देते थे, इस मामले में अब तक 128.78 करोड़ की संपत्ति की कुर्की हो चुकी है। इस मामले में 1934 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला किया गया है और इस केस में ईडी ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं और मामले की तफ्तीश लगातार बढ़ ही नहीं रही है बल्कि दायरा भी बढ़ रहा है। ये भी याद रखिए दोस्तों, शराब घोटाले से जुड़ी बहुत सारी खबरें आपको दिखा चुका हूँ, ये तो कट्टर ईमानदार वाले लोग हैं ना, जैसे जैसे मामले आगे बढ़ते गए ये कहते रहे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और ये भी कहते थे कि मैंने जितने विधायक चुने मंत्री चुने वो भी कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन सबकी पोल धीरे धीरे खुल रही है और जल्द खुलासा भी हो गया, क्योंकि ईडी ने संपत्ति को जब्त करने से पहले कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर कहा कि सिसोदिया ने दिल्ली में शराब नीति बनाकर जो व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, उसके बदले एक व्यापारी अमित अरोड़ा से 2.2 करोड़ करीब 2.25 करोड़ रुपए का घूस लिया है। और ये जो मनीष सिसोदिया है, उन्होंने ये घूस अपने बहुत ही करीबी साथी दिनेश अरोड़ा के जरिए लिया। अब दिनेश अरोड़ा कौन है ये भी आप समझ लीजिए दोस्तों, सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बना दिया है और सरकारी गवाह बनने के बाद दिनेश अरोड़ा ने सारे राज उगलने शुरू कर दिए। उसने खुलकर ये बताया दिनेश अरोड़ा ने कि कैसे मीटिंग के दौरान मनीष सिसोदिया उसको बुलाते थे, उसके सामने सारी बात करते थे, ये एहसास दिलाते थे कि शराब नीति के मामले में सब कुछ दिनेश के हाथ में है। और एक बात और समझ लीजिए, सरकारी गवाह बनने के बाद भी बड़ा बहुत रेयर होता है कि कोई सरकारी गवाह बन जाए और उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाए, लेकिन दिनेश अरोड़ा सीबीआई के सरकारी गवाह हैं और इसके बाद भी ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया ताकि और अधिक जानकारी मिल सके। और एक बात ये भी समझिए दोस्तों कि दिनेश अरोड़ा को ईडी ने जब गिरफ्तार किया तो उसकी गिरफ्तारी के 3 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। अभी तो ये 3 दिन पुरानी बात है ना, सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई हो रही थी और हाईकोर्ट ने साफ तौर से मना कर दिया। इसलिए मना किया क्योंकि पूरे घोटाले में वो पूरी तरह से शामिल है, घूस लेने की बात भी सामने आ रही है और ये भी पता चल रहा है कि वो सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनको छोड़ दिया जाए तो क्या सबूत मिटेंगे? वो भले ही मंत्री ना हो लेकिन वो इतने प्रभावशाली हैं कि वो सबूतों को मिटा सकते हैं। और ऐसे में जब मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है और उनके साथी दिनेश अरोड़ा से उनकी उन संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली जो घूस के जरिए जमा करके रखी गई थी, तो ईडी ने तुरंत मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और अन्य लोगों की करीब 52 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का फैसला किया। और जैसे ही ये मामला सामने आया, मीडिया को पता चला, मीडिया में खबरें छप गई कि करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई है, 52 करोड़ की, और इसमें मनीष सिसोदिया की भी संपत्ति शामिल है, तो अब केजरीवाल को तो पता है कि तुरंत राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंच जाएगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नया एंगल दे दिया, उन्होंने इसको झूठा बता दिया। झूठा कैसे बताया आप समझिए,
क्या लिखते हैं ये सोशल मीडिया पोस्ट में, प्रधानमंत्री जी जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ईडी के जरिए मनीष को बदनाम करना चालू कर दिया। आपकी ईडी शाम से टीवी चैनलों पर झूठी खबरें चलवा रही हैं कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने असल में जो संपत्ति जब्त की है उसके कागजात ये रहे, ये टोटल 80 लाख की संपत्ति जब्त की है। आप देखते चले जाइए, मतलब 80 लाख की ही जब्त की है। अभी ये झुंझुना दिखा रहे थे, आपको पता है ना कितने बयान सुनाए, कभी बोलते हैं झुंझुना मिला, कभी बोलते हैं कुछ नहीं मिला, कभी बोलते हैं 10,000 मिला, कभी बोलते हैं कुछ नहीं मिला। तो ये वही तरीका है दोस्तों, 80 लाख ही मिला है, हाँ 52 करोड़ क्यों बता दिया, लेकिन वो फिर गलत बोल रहे हैं। इस पोस्ट में ये जो बता रहे हैं ना कि सिसोदिया की संपत्ति 81 लाख की है जिसको 52 करोड़ बताया जा रहा है, ईडी बता रही है, जिसके बाद मीडिया वाले चला रहे हैं, तो मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि मीडिया वाले भी सही हैं, ईडी वाले भी सही हैं। आप देखिए क्या लिखा है इसमें, ये लिखा है कि कुल 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, ये नहीं लिखा है कि सिसोदिया की 52 करोड़ की है। एक के बाद एक हर जगह वही बात है, आप देख लीजिए। और बहुत जगह जब मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है तो ये भी बताया जा रहा है कि 81 लाख की दो अचल संपत्ति है। लेकिन केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अपनी पार्टी की ईमानदारी पर बट्टा लगने से बचाने के लिए अपनी तरफ से खबरों को तोड़ मरोड़ कर झूठ बोलते हैं, मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। और जानते हैं जब ये ट्वीट मैंने आपको दिखाया तो उसमें ये भी लिखा हुआ है ना कि ये सारी संपत्ति 2018 से पहले की है, इसी ट्वीट में लिखा है जो केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि ये सारी संपत्ति 2018 से पहले की है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि 2020 में मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था उसमें वे 2015 से और गरीब हो जाते हैं, और गरीब होने का दावा करते हैं, मतलब संपत्ति कम हो जाती है। लेकिन उनकी पत्नी जो हाउसवाइफ है उनकी संपत्ति में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से तो पैसा आया ही था। और याद रखिए जब शराब घोटाले की जांच हुई तो केजरीवाल ने क्या कहा था, केजरीवाल ने कहा था कि ये कोई घोटाला ही नहीं था। जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर और बैंक पर छापेमारी की थी तो केजरीवाल ने कहा था कुछ नहीं मिला। और जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल से पूछताछ की गई, तब केजरीवाल खुद पर उतर आए। अब तक तो वो मंत्रियों और विधायकों को बोलते थे, अब वो बोलने लगे कि मैं अगर ईमानदार नहीं तो फिर तो कोई ईमानदार नहीं होगा। अब वो पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि ईमानदारी का ठेका तो इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी को मिला है, वो केजरीवाल को है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, शराब घोटाले की जद में एक एक व्यक्ति आ रहा है। अगर ये मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के निवास पर चीजें बन रही थी तो यकीन मानिए आज ना कल केजरीवाल भी जरूर फंसेंगे। लेकिन बात तो सिर्फ इतनी सी नहीं है, आज ये सिसोदिया के दो अचल संपत्ति जब्त हुई है, लेकिन ये मामला आगे बढ़ेगा और अब तो केजरीवाल के शीश महल पर आएगा। जब सिसोदिया नहीं बच सकते और सिसोदिया से इनका क्या लेना देना ये तो आपको भी पता है ना दोस्तों, कि कैसे जैसे ही मंत्रालय से छुट्टी भी इनका घर भी छीन लिया जबकि इनकी पत्नी बीमार है, तो ये तो केजरीवाल की हकीकत है। यानी कुल मिलाकर ये मामला आगे बढ़कर केजरीवाल के शीश महल तक भी जाने वाला है और शराब घोटाले की जांच का दायरा तो वैसे भी बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, अली बाबा 40 चोर, ठीक वही परिस्थिति आज केजरीवाल और उनकी टीम में नज़र आ रही है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, दायरा बढ़ रहा है, ये पता चल रहा है कि एक एक आदमी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबा हुआ है। लेकिन इसकी अंतिम परिणति तभी होगी जब केजरीवाल खुद इसके शिकंजे में फंसे हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।